इन दिनों आपराधिक गतिविधियां पूर्णिया में लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से जमीनी विवाद में किसान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। दो किसानों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। घटना रविवार शाम की है, जहां श्रीनगर ओपी थाना क्षेत्र के सिंघिया बस्ती में गोलीबारी की घटना हुई। इस गोलीबारी की घटना में एक किसान पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारी गई, जबकि दूसरे किसान को गोली छूकर निकल गई। 5 गोली खाकर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किसान की पहचान 60 वर्षीय सिंघिया बस्ती निवासी रामचंद्र यादव के रूप में हुई है, जबकि बस्ती के ही दूसरे किसान 50 वर्ष के प्रेम प्रभाकर खतरे से बाहर हैं, जिसे गोली सीने से छूकर निकल गई। घायल रामचंद्र यादव ने बताया कि उनके घर के रास्ते के लिए संजीव यादव से एक कट्ठा जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है। किसी भी हाल में रास्ता नहीं देना चाहते थे। इस विवाद को लेकर सामाजिक स्तर पर पंचायती भी हुई, बावजूद इसके फैसले को नहीं माना और आज उन पर गोलियां बरसा दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के पोखर स्थित अपने कामत पर प्रेम प्रभाकर के साथ रामचंद्र यादव बैठे थे। इस दौरान बाइक से गांव के ही संजीव यादव एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बाइक चलाते हुए उनके पास पहुंचा। संजीव के साथ पहुंचा व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि मखाना की खेती करनी है, जमीन चाहिए। इसके बाद उसने नाम पूछा। इसी क्रम में बाइक पर बैठा संजीव यादव चिल्लाते हुए कहा कि क्या पूछताछ कर रहे हो, गोली मारो। इतना सुनते ही अज्ञात व्यक्ति पिस्टल निकालकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। गोलीबारी में 5 गोली लगी, जिनमें से एक गोली जांघ में, एक सीने के पास, एक बांह में, एक पैर में और एक हथेली पर। उनके साथ बैठे प्रेम प्रभाकर को गोली सीने से छूकर निकल गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही श्रीनगर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई एसएन झा की अगुवाई में आए पुलिस बल ने घायल अवस्था में दोनों ही किसानों को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। रामचंद्र यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। उधर से जो आदमी आया, बोला कि हम मखाना अगर खेत लेंगे, उसका नाम पूछा, जो मारा उसको जानते हैं, काहे विवाद काहे हुआ? विवाद काहे हुआ, आप लोगों का लड़ाई किससे चल रहा है? इसका लड़ाई है। आप साथ में, आप साथ में थे? पता है कि कौन है आपका? कितना आदमी को गोली लगा है? कितना आदमी को गोली लगा है? दो आदमी जा रहे थे खेत, उसी टाइम वो आया। गोली मारने वाला कितना आदमी? दो आदमी। बाइक से था? बाइक से था। पहचानते हैं उन लोग को? कितना गोली चलाया वो लोग? 8-10 गोली। 8-10 गोली चलाया। कहाँ पे हुआ है घटना? सिंघिया। कौन थाना पड़ता है? ओपी चंपा नगर वाला। क्या नाम हुआ आपका? आपके साथ जो है रामचंद्र। रामचंद्र। घर कहाँ है आपका? सिंघिया। देखिए सर, हम गेहूँ का खेत जा रहे थे, गेहूँ का खेत हम जा रहे थे, मोटरसाइकिल से आया संदीप यादव, पिता सीताराम यादव, उसके पीछे एक आदमी बैठा था मोटरसाइकिल पर, गाड़ी रोका, वो पूछा जो पीछे बैठा था, वो पूछा तुम्हारा नाम रामचंद्र यादव है? हम बोले हाँ सर, मेरा नाम है। इधर मखाना कितने लेगा? हमारे घर मखाना के दाम मिलेगा। संजू यादव गाड़ी चला रहा था, तो दोनों हाथ से पूरी तरह मोबाइल बगल भैया, दोनों हाथ से पूरी तरह मोबाइल बगल भैया। हम भागे, वो खिलहारना शुरू किया, हल्ला किए बगल में काम कर रहा था, जब उसका पिस्तौल दोनों खाली हो गया तब भागा हुआ, दोनों पिस्तौल खाली हो गया। दोनों आदमी बंदूक से गोली चला रहा था? नहीं, एक आदमी संजीव यादव गाड़ी में बैठा हुआ था। एक आदमी गोली चला रहा था? एक आदमी गोली चला रहा था। पहले से कोई विवाद हुआ है क्या? देखिए सर, विवाद है, हमने जमीन हम लोग लिए है घर बनाने के लिए। मेरे घर का आगे जिसमें मेरा घर था, वो जमीन सीता ने पहले ले लिया संजीव यादव का पिताजी सुनील यादव लिया। उसके बाद रास्ता हमको बंद हो गया घर जाने के लिए, बगल में एक कट्ठा जमीन रास्ता के लिए, वो भी जमीन सुनील यादव सितारा
संजीव यादव दोनों जोत लिया, दोनों जोत लिया और धमकी दिया साहब तुमको गोली मार देंगे। तो जमीनी विवाद में गोली चलाया है? हाँ सर, धमकी दिया तुमको गोली मार देंगे। ये मखाना का कोई मामला नहीं है? सर, कोई मामला मतलब जमीनी मामला में गोली चला, जो रास्ता जो आप जमीन जो किन लिए, रास्ता वाला जमीन का मामला है, आप जो किन इसलिए गोली चला रहे हैं। हाँ जी हाँ, हम खरीदे हैं। हेलो सीता का बेटा संजीव दादा बोला था कि गोली मार देंगे। कितना दिन पहले बोला था? आज से लगभग एक महीना पहले। थाना में कंप्लेन किए थे? नहीं सर, कंप्लेन नहीं किए थे, नहीं किए। कहाँ की घटना आई? सिंगिया सिंगिया आठ नंबर 10 का। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। कितना गोली चलाया है? देखिए सर, उसके हाथ में दो हथियार था, गोली चलाना शुरू किया था, हम उसके तरफ घूमे तो दोनों वो गोली हथियार याद में लेकर फिर दोबारा शुरू कर दिया, तब हम भागना शुरू किए, हालांकि हम गिर गए सर।